उस समय ये जो एरिया था ना, ये वाला पूरा एरिया आपका इंडिपेंडेंट था, पूरा ना पाकिस्तान के अंदर था ना हिंदुस्तान के अंदर था। और जब वार में राजा हरिश्चंद्र नहीं जीत पाए तो उन्होंने तरह से शिमला समझौते का उल्लंघन करा, और आपके कारगिल युद्ध के ही एक एक पार्ट है जहां पाकिस्तान को अपनी मुंह की खानी पड़ी और वापस अपने बॉर्डर पे जाना पड़ा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, और उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो अब मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल नोमेडिक तुषार पे, और आज ना हम जाने वाले हैं श्रीनगर। श्रीनगर के लिए अभी रास्ता तो पड़ता है हमारा ये वाला पड़ता है, और रास्ते में पड़ेगा हमारे सोनमर्ग, और उसके बाद पड़ेगा आपका जोजीला पास। और जोजीला पास ना हम कल रात जाने वाले थे लेकिन जा नहीं पाए, क्योंकि जोजीला पास पार करने के लिए ना हमको आधे से पहले जोजीला पास पार करना होता है, क्योंकि वो रास्ता इतना ख़तरनाक है कि आप उसको रात में पार नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो धुंध आ जाती है, कोहरा आ जाता है और धूल मिट्टी हो जाती है, तो उस चक्कर से ना कुछ दिख नहीं पाता है, इसलिए वो रास्ता रात में बंद हो जाता है। तो हमने फिर प्लान किया कि आज रात यहीं रुकते हैं, और उसके बाद रुके, उसके बाद फिर अभी मॉर्निंग में हम यहाँ से निकल रहे हैं और चल रहे हैं श्रीनगर। और श्रीनगर आज हमारा होल्ड रहेगा लगभग लगभग, हमको गाड़ी खींचनी 100 कुछ किलोमीटर, 135 140 किलोमीटर के आसपास का रास्ता हमने आज कवर करना है, और हो सकेगा देखते हैं श्रीनगर से भी अगर आगे निकलने का कुछ बन पाएगा तो आगे निकलेंगे। और अभी ना रोहित लोग आने वाले थे, रोहित लोग का मैं वेट कर रहा था, तो रोहित आते ही हम लोग चल देंगे आगे। तो रोहित लोग आ गए और रोहित लोग आगे चले गए, तो अब मैं चलता हूँ अपने साथ अपने, तो मैं चलता हूँ आगे को, और शुरू करते हैं यहाँ से सफ़र हमारा श्रीनगर तक का। तो अभी जैसे ना मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, और मुश्किल से 1 किलोमीटर आगे बढ़ाऊंगा, तो मुझे ना ये वॉल दिखी। एक्चुअली ये वॉल वो वॉल है, अगर आप देखोगे ना तो ध्यान से देखोगे, ये जो वो वॉल है ना, ये वॉल तब बनी थी जब आपका कारगिल युद्ध हो रहा था ना, तो ये वॉल इसलिए बनाई थी। तो हमारी जो सेना की मूवमेंट है ना, वो इस सामने से वो जो हिल है, ये सारे से इंडियन आर्मी की पूरी मूवमेंट दिखती थी। ये NH-1 है, और इस NH-1 में कब्जा हो गया था पाकिस्तान का, पाकिस्तान नज़र रख रही थी हमारे इंडियन आर्मी के पूरे मूवमेंट पे। तो ये वॉल उस टाइम कारगिल युद्ध में बनाई ताकि जो हमारी इंडियन आर्मी की मूवमेंट है और जो प्रोटेक्शन है ना वो हो सके, और इसलिए ये वॉल उस टाइम बनाई थी। और देखो आज भी कितनी चौड़ी और मजबूत ये वॉल बनाई रहती है। मैं सोनमर्ग वाले रास्ते जा रहा था, तो ये सामने इतनी प्यारी पहाड़ दिखी। अगर आपको गौर कर रहे हो तो गौर से आप बताओ क्या दिख रहा है, कमेंट सेक्शन में बताओ ये क्या दिख रहा है। मुझे तो पता है कि एक ऐतिहासिक प्लेस है उसकी तरह दिख रहा है, लेकिन आप ये बताइए कि कमेंट सेक्शन में बहुत प्यारा है, तो इस चक्कर से मैं रुक गया था इसको देखने के लिए। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये क्या है। जोजीला टॉप के पहले 3 किलोमीटर पहले हमने अपने लिए चाय वगैरह ले ली, और कैफ़े में बैठ के हम चाय पी रहे हैं। यहाँ चाय 20 रुपये की और समोसा 20 रुपये का है, और सामने ही हमारे है जोजीला मेमोरियल, वार मेमोरियल। तो भाई थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, तो यहाँ चाय पीते सर बढ़ते हैं आगे को। तो ये जो है ना आपके 1948 में भी यहाँ वार हुआ था, तो उसकी कहानी कुछ ऐसी है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुआ था तो उस समय ये जो एरिया था ना, ये अलग पूरा एरिया आपका इंडिपेंडेंट था। इंडिपेंडेंट इसलिए था क्योंकि उस समय ना आपका जो राजा हरिश्चंद्र थे, उन्होंने मना कर दिया था कि मैं ना इंडिया में रहूँगा ना पाकिस्तान में रहूँगा, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं अपना अलग एक देश चलाऊँगा। तो इसलिए ये जगह ना पूरा ना पाकिस्तान के अंदर था ना हिंदुस्तान के अंदर था, लेकिन फिर पाकिस्तान ने धोखेबाजी से यहाँ अपनी मिलिट्री बुला के यहाँ हमला करवा के राजा हरिश्चंद्र के साथ वार करी। और जब वार में राजा हरिश्चंद्र नहीं जीत पाए तो उन्होंने इंडियन आर्मी की मदद ली, और इस एरिया में ना इंडियन आर्मी आई, और उसके बाद दोबारा से पाकिस्तान को पीछे खदेड़ के भगाया। फिर उसके बाद जब 1999 का वार हुआ था ना, उस समय भी पाकिस्तान आर्मी ने यहाँ आके दोबारा से शिमला समझौते का उल्लंघन करा, और 1998 में रह के इंडियन आर्मी में हमला करा, और कारगिल युद्ध चालू हुआ। तो यह सब एरिया ना आपके कारगिल युद्ध के ही एक एक पार्ट है जहाँ
हमला हुआ था इंडियन आर्मी में, लेकिन उसके बाद भी ना पाकिस्तान को अपनी मुंह की खानी पड़ी और वापस अपने बॉर्डर पे जाना पड़ा। तो अब यहाँ से ना हम चलते हैं आगे, और इंडियन आर्मी के सामने हमेशा हर बार अपने देश की रक्षा के लिए इतने जवान गवाए, लेकिन फिर भी अपनी एक इंच भूमि पाकिस्तान को नहीं दी। तो भाई सल्यूट टू एवरी इंडियन आर्मी। तो ये है आपका जोजिला वार मेमोरियल, और ना यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है जोजिला वार मेमोरियल घुमरी द्रास जे एंड के। तो जब ये जे एंड के अंदर ना तब का बोर्ड है, और 77 पैरा ब्रिगेड यहाँ पे थी, और आपके बहुत सारे 7 राजपूत, मराठा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, अलग अलग यहाँ पे रेजिमेंट आई, पंजाब रेजिमेंट आई, मद्रास रेजिमेंट आई। तो बहुत सारी रेजिमेंट ने ना अपना योगदान दिया है, अपना योगदान दिया है हमारे भूमि को बचाने के लिए। ये ना जय हिंद भाई, सलूट है, सलूट है हमारे देश के सिपाहियों को। और ये 1947 से 48 की वार यहाँ पर हुई थी, और 15 अगस्त 2009 को इसका ये मेमोरियल बनाया गया। तो भाई अब यहाँ से चलते हैं आगे को, और चलते हैं अपने दूसरे लोकेशन की तरफ जो कि है आपका सोनमार्ग। और रास्ते में पड़ जाएगा अभी 3 किलोमीटर पे हमको जोजिला पास। फाइनली हम पहुंच गए हैं जोजिला पास, और आज का हमारा ये पहला पास है और शायद आखिरी भी, क्योंकि इसके बाद हमको पास नहीं मिलेगा। और ये पास ना बहुत हार्ड होता है ठंडे के टाइम में, क्योंकि ये पूरे बर्फ़ लग जाती है, लेकिन इसका ना जल्दी जल्द एक ऑप्शन खुलने वाला है आने वाले 10 साल के अंदर, यहाँ बन जाएगा एक पास, और वो बनेगा टनल, और वो टनल ना आपका जोजिला से आपका सोनमर्ग के बीच में बन रहा है, वो जिसकी लेंथ अराउंड आपके 10 किलोमीटर की, 10 से 14 किलोमीटर की लेंथ है। तो उसको बनने में भी लगभग 2030 तक का टाइम है। तो भाई क्या करते हैं फोटोग्राफी से चलते हैं आगे को सोनमर्ग को। तो भैया रास्ते बन रहे हैं ना, तो इसलिए पूरा टूटा फूटा है, और शायद आगे तक है तो पता नहीं कहाँ तक ऐसा रास्ता मिलेगा हमको। और पानी रहेगा ना इसमें तो भाई कीचड़ से ना गाड़ी फिसल सकती है, तो ये थोड़ा सा अनसेफ है, क्योंकि ना आप डाउन में जा रहे हो, डाउन में गाड़ी स्लिप करती है तो गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिलहाल तो रास्ता इतना ख़राब है, इसको जल्दी जल्दी पार करके ना ख़त्म करते हैं, पहुँचते हैं सोनमर्ग। तो मेरे जो आप सामने पहाड़ दिख रहे हो, दो पहाड़ के बीच से हमारे भोलेनाथ जी की अमरनाथ यात्रा होती है। तो फिलहाल तो अभी शिवलिंग पिघल गए हैं और यात्रा भी ना लगभग ख़त्म हो गई, तो 2 दिन का यात्रा और बचा हुआ है, लेकिन जब तक हम जाएंगे ना तब शिवलिंग और पिघल जाएंगे। तो हम सोच रहे हैं कि अब यहाँ जाना तो हो नहीं पाएगा, व्यर्थ नहीं है, क्योंकि शिवलिंग नहीं दिखेंगे तो फिर दर्शन मुश्किल हो जाएंगे, और दर्शन करे बिना यात्रा सफल कहाँ। तो ये सामने जो रास्ता है दोनों पहाड़ के बीच से, तो दोनों पहाड़ के बीच से आता है आपका अमरनाथ यात्रा। और मेरे डाउन में ना ये आप देखोगे, ये डाउन में पूरा बेस कैंप है, और यहीं से यात्रा शुरू होती है, और यहाँ से बस लगभग 14 किलोमीटर दूर है भोलेनाथ जी का अमरनाथ मंदिर। तो अब चलते हैं आगे। तो भैया हल्की हल्की बारिश चालू हो गई है, तो रेनकोट पहनते हैं और कैमरे को डालते हैं अंदर, फिर जब बारिश होगी तो फिर निकालेंगे अपना कैमरा और दिखाएंगे आपको सोनमर्ग के कुछ खूबसूरत नज़ारे। तो फाइनली हमने एंटर कर लिया अपना सोनमर्ग के अंदर, और सोनमर्ग के अंदर घुसते ही ना आपको खुली वैलियाँ दिख जाएंगी, बहुत प्यारी प्यारी। लेकिन दिक्कत ये हो गई ना, ये बरसात आ गई, और बरसात की दिक्कत है ना, जब पूरे बादल थे वो नीचे को आ गए और
जो खूबसूरती थी ना उसकी, सुनबा की जो खूबसूरती है वो पूरी ढक गई है। तो भाई एक थोड़ा सा निराश रहेंगे क्योंकि हमको यहाँ से भी सीधा सीधा निकलना है। तो कोई बात नहीं, आपको वादे किसी और से निकालेंगे, आगे चलते हुए कहीं खूबसूरत जगह दिखेगी तो वो शूट करेंगे ज़रूर। फोटोग्राफी वगैरह सब हो गई है और रील्स बना ली है। अब जहाँ से हम चलते हैं अपने रास्ते श्रीनगर को, और ये हाईवे है, अभी आगे जाके शायद हमको मे भी फोर लेन रोड मिल जाए, मुझे इतना आइडिया नहीं है लेकिन शायद मिल सकता है ज़्यादा। और यहाँ से वगैरह यहाँ घोड़े ही घोड़े हैं और यहाँ से घोड़े से आपको सवारी कराई जाती है। हेलो भैया, कैसे हो? के बादल हटे हैं ना, तो हल्की सी खूबसूरती नज़र आ गई हमारे हमारे कश्मीर की। और आगे तो और बहुत कुछ है देखने के लिए, तो अगर आपने यहाँ तक मेरा ब्लॉग देख लिया ना तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और कल हम जाएंगे आपका सोनभद्र से श्रीनगर को, और उसमें दिखाएंगे आपको खूबसूरत सी वादियाँ यहाँ की।